नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड एनसीईआरटी साइंस कक्षा नौवीं। कक्षा नौवीं में हम देख रहे हैं विज्ञान, और विज्ञान का आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए। कौन सा क्वेश्चन है? दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी की, और फिर हम बात करते हैं विस्थापन की। तो दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, हमको ये समझना है, ठीक है। तो दूरी क्या होती है समझने के, जैसे हम बात करते हैं इस टाइप से, कोई हमारे पास जगह है जैसे बिंदु ए है और बिंदु बी है, ठीक है। किसी वस्तु को ए से बी बिंदु तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, इस टाइप से डिस्टेंस बनी हुई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मतलब किसी भी वस्तु को यहाँ से यहाँ जाना है, तो कैसे जाएगा? तो पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और फिर ऐसे जाएगा, सही है, यही होने वाला है। तो ये होगी आपके दूरी। अब कितनी दूरी तय हुई है, तो पहले वो यहाँ से यहाँ आया, तो 1 के बाद 2 3 मीटर, 3 और 3 6 मीटर, 6 और 2 8 और 1 9, टोटल उसने कितनी दूरी तय की, तो 9 मीटर की। इसको हम क्या बोलेंगे? पथ। पथ मतलब रास्ता, ठीक है। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा? दूरी किसको कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टकट, मतलब सीधा शॉर्टकट, मतलब यहाँ से लेकर सीधे सीधे इस टाइप से चले जाना, ये होता है विस्थापन। तो हम बोलेंगे किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ में न्यूनतम और अधिकतम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन, ठीक है। जब पहला पॉइंट आता है हमारा, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, ठीक। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की बात करिए, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। अदिश मतलब जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और सदिश मतलब जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, ठीक। आगे बताया है इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। पाँचवा पॉइंट हम क्या लिख देंगे? दूरी का मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपके दूरी और विस्थापन में अंतर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसे नोट करिए और अच्छी तरीके से याद कीजिए, और एग्ज़ाम में भी अच्छी तरीके से लिख के आइए, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।